शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने सम्मानित शिक्षकों को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार, सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कर्नाटक के नरसिम्हा मूर्ति एच के, पश्चिम बंगाल के आशीष कुमार रॉय और उत्तर प्रदेश से रविकांत द्विवेदी समेत 50 लोगों को सम्मानित किया। और इस दौरान शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षकों से नेटवर्क 10 के संवाददाता ने खास बातचीत की है। डॉक्टर उर्फाना जी हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, जिनको अवार्ड दिया है, दिखाएंगे जरा दर्शकों को, देखिए ये अवार्ड है, इनका सम्मान है, क्या कहेंगे आज, कितनी खुशी मिल रही है? मुझे ढेरों खुशियां मिल रही है, बहुत मतलब ना घर भी महसूस हो रहा है, लेकिन घर उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके लिए काम करूँ, और उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने मुझे पढ़ाकर इस काबिल बनाया, इस मतलब मंच पे लाया कि मैं नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। धन्यवाद। कोई कोई ना, बस बस। देखिए शिक्षा दिवस पर जिस प्रकार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा का राष्ट्रीय पुरस्कार आज आयोजित किया विज्ञान भवन में, और शिक्षकों को ये अवार्ड उन्होंने स्वयं अपने हाथों से दिया, और इस पल के हम गवाह हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो शिक्षक हैं वो कितने खुश हैं, क्योंकि उनको अपनी मेहनत, लगन और आज उसका जो फल मिला है स्वयं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। कि जिस प्रकार शिक्षक दिवस भी है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को आज राष्ट्रीय सम्मान दिया है, हमारे साथ बात करने के लिए जी क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर शहनाज अयूब हूँ, झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस काम के लिए सराहा गया कि जिसमें मैंने जो भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें मैं छात्रों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की नीति को अपनाती हूँ, जिससे कि बच्चों में नवाचार को इस्तेमाल करते हुए, उसको विकसित करते हुए वो मॉडल्स बनाना शुरू करते हैं। तो नवाचार, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने पूरे थर्ड ईयर में एक आइडिया टू बिजनेस मॉडल का कोर्स चलाया, जिससे कि बच्चों में पास आउट होने के बाद उद्यमिता में प्रोत्साहन जगाने की बजाय आप इंजीनियरिंग करते हुए ही अगर उनको प्रोत्साहित करें तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जैसे एक पेरेंट्स अपने एक बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए कम से कम 4 लाख से 25 लाख तक खर्च करता है, मतलब वो इन्वेस्ट करता है, बाद में उस एक बच्चे को जॉब मिलती है, मगर अगर वही बच्चा नौकरी पाने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनेगा तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बच्चे का नहीं होगा, वो देश के हजारों लाखों बच्चों का होगा। तो मेरा यही जोर है कि मैं नौकरी देने वाले बच्चों का निर्माण करूं, ना कि नौकरी पाने वाले। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है आपको जो राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया? मुझे ये मेरे लिए एक बहुत ही सपने जैसा रहा है, और मुझे तो ये पता था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मगर वाकई में ये अवार्ड पाके ये सिद्ध हो गया है कि सरकार ने मेरी इस मेहनत को पहचाना। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए जिस प्रकार जो शिक्षक है उनको अपनी मेहनत का फल मिला और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय सम्मान दिया है, राष्ट्रीय टीचरों का अवार्ड जो मिला है, क्या कहेंगे सर? सर बहुत ही गौरवमयी पल हैं कि मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ है, मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जो मिला है मेरे साथ मेरे स्टाफ और विद्यार्थियों की मेहनत है, और ये राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो सिर्फ पुरस्कार तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी हम इसकी गरिमा और इसके अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये मेरा विचार है सर। सर
जिस तरह आज गौरवान्वित किया है राष्ट्रपति जी ने आपको, आप दिखाइए दर्शकों को किस तरह आपको सम्मानित अवार्ड जो मिला है। जी ये सर राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत देश का सबसे सर्वोच्च शिक्षा जगत का शिक्षकों का पुरस्कार है। इस पुरस्कार को पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस सर्वोच्च पुरस्कार से हमें अलंकृत किया है। पुनः बहुत बहुत आभार। क्या आप आगे भी इस तरह कार्य करते रहे? जी सर, पुरस्कार के बाद सर बच्चों की, विद्यार्थियों के, अभिभावकों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि आप राष्ट्रीय और राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं, तो उस अनुरूप हमें हमारे कार्यों को भी और बढ़ चढ़ कर उन्हें बहुत सुंदर और संयोजित तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना होगा और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को जिस तरह आज एक टीचर का सम्मान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है विज्ञान भवन में, जहाँ पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। हमारे साथ एक शिक्षक है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमने 23 इयर्स का एक काम में आज राष्ट्रीय तरह से स्वीकृति मिला, स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हूँ। मैं जो स्कूल में काम करता हूँ उसी में संपूर्ण रूप से SC ST स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस बच्चों का कैसे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा, इससे हमने बहुत सारे इनोवेटिव एक्टिविटी ने प्रयोग किया है जिसको आज नेशनल स्तर में हमको स्वीकृति मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। शिक्षा दिवस पर शिक्षकों को सम्मान आज राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों से देनी पहुंची विज्ञान भवन में। हमारे साथ शिक्षक रवि हैं, क्या कहेंगे रवि? सर मैं पुरस्कार पाके बेहद खुश हूँ और आज यहाँ आके लगा कि पूरे भारत के शिक्षकों से मिलने का मौका मिला, उनकी भी चीज़ें सीखने को मिला और हमें आपसे आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि इस अब दूने उत्साह के साथ कार्य करूँगा और इसको पूरे जीवन भर इसका निर्वहन करूँगा। अच्छा, जो अवार्ड मिला है मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। रवि को जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, कितनी खुशी मिली? सर मैं बेहद खुश हूँ, मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है और यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। देखिए इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुनीता मौजूद है। जी सर, बहुत खुशी भी हो रही है कि अपने राज्य के लिए कुछ कर पाई। मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक छोटे से गांव में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ और अब शायद मेरी जवाबदेही और बढ़ गई है क्योंकि और मैं अपने आप को मोटिवेट भी करूंगी और लगातार जो विगत 25 सालों से मैं खेतीहर मजदूर किसानों की बेटियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास कर रही हूं उसमें मुझे बहुत सफलता मिली है। विद्यालय का ही नहीं बल्कि अन्य स्कूलों का भी मैंने अपने प्रयासों से नामांकन बढ़ाया है, ड्रॉप आउट को कम किया है, जिसकी वजह से मुझे कई बार जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और अभी 7 अगस्त को हमारे उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री देवड़ा जी ने भी मुझे सम्मानित किया था बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु। जी धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार शिक्षा दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया और अपने हाथों से उनको पुरस्कार भेंट की। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन शिवदास।